हेलो एवरीवन, वेलकम टू द दर्शन करियर माय टॉप चैनल। माय नेम इज मंजीत रॉय एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिगो एयरलाइंस के जॉब वैकेंसीज के बारे में। एक्चुअली इंडिगो एयरलाइंस इंडिया में केबिन क्रू पोजीशंस के लिए कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन सी प्लेस में इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, इसका डेट टाइम प्लस वेन्यूज क्या है, कौन से डेट में इसका इंटरव्यू है और कहाँ कहाँ पर है, एंड डेट टाइम प्लस वेन्यूज क्या है। देन इसमें आपको कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इस जॉब वैकेंसीज को अप्लाई कर सकता है, एंड आपको डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड किया जा रहा है, जॉब वैकेंसीज को अप्लाई कैसे करना है, तो इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, दिस जॉब वैकेंसीज ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट। इस जॉब वैकेंसीज को मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इंडिगो एयरलाइंस में मेल कैंडिडेट को केबिन क्रू पोजीशंस के लिए हायर नहीं करते हैं, इंडिगो एयरलाइंस में ओनली फीमेल कैंडिडेट को ही केबिन क्रू पोजीशंस के लिए हायर करते हैं। सो ड्यू टू दिस रीजन मेल कैंडिडेट कैन नॉट बी अप्लाई दिस जॉब वैकेंसीज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बात करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि पहले किस किस डेट को इंटरव्यू है, डेट टाइम प्लस वेन्यूज क्या है, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट एंड डॉक्यूमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। मार्च मंथ में आपको एक इंटरव्यू दो इंटरव्यू निकल गए हैं प्रीवियस में, जो कि मैं थोड़ा लेट से वीडियो बना रहा हूँ, बट जितने इंटरव्यू बचे हुए हैं अभी अपकमिंग में मार्च मंथ में, तो उसके बारे में बात करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन से डेट में कौन से प्लेस पर इंटरव्यू बचे हुए हैं। सो इसमें से फर्स्ट में है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है 20 मार्च को इंटरव्यू है, जो कि कोलकाता में है। उसका जो इंटरव्यू का टाइमिंग है 9 AM to 10 AM, ये आपका टाइमिंग रजिस्ट्रेशन की रहेगी, और इंटरव्यू की टाइमिंग रहेगी आपका 10 AM to evening 5 PM, ठीक है। ये जो इसका जो एड्रेस है, वेन्यू दिया गया है होटल फेयरफील्ड बाय मैरोट CB218 एक्शन एरिया 1C न्यू टाउन कोलकाता, इस वेन्यूज पे आपका इंटरव्यू रहेगा। ये लीड केबिन क्रू पोजीशंस के लिए कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं। लीड केबिन क्रू या केबिन क्रू इंचार्ज या केबिन क्रू मैनेजर सेम ही है, तो उनके लिए कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं। और एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस जॉब वैकेंसीज को ओनली जो एक्सपीरियंस क्रू हैं वही अप्लाई कर सकती हैं, जिनके पास मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है, नोटिफिकेशन में मेंशन है, एंड मैक्सिमम 17 ईयर्स। तो ये जॉब वैकेंसीज को जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकती हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि ओनली एक्सपीरियंस क्रू ही अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि इसमें ये जो वैकेंसीज है ये लीड केबिन क्रू के लिए है, तो आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये जॉब वैकेंसीज आपका ये जॉब जो रहेगा आपका परमानेंट रहेगा। इस जॉब का कोड है 12403, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो इंटरव्यू बेंगलुरु में होने वाली है सेकेंड में, उसके बारे में। बेंगलुरु में जो इंटरव्यू होने वाली है उसका भी टाइमिंग है 9 AM to 11 AM। आपका 9 AM इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी, 11 AM तक इंटरव्यू चलेगी। ये इंटरव्यू आपका 30 मार्च को है, 30 मार्च का आपका इंटरव्यू रहेगा ये। इसका जो एड्रेस दिया गया है, एड्रेस है होटल विश्वास गेटवे 36 डाउन टाउन पार्क छटाहली गेट नियर ITC फैक्ट्री कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। तो इस वेन्यूज पे आपका इंटरव्यू रहेगा। इसका जॉब का कोड नंबर सेम ही है 12403, पोजीशंस भी सेम है, लीड केबिन क्रू, लीड केबिन अटेंडेंट ATR, ठीक है। और आपका ये बेंगलुरु में इंटरव्यू रहेगा, इसमें भी आपको सेम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। देन अब बात कर लेते हैं जो थर्ड फेज में इंटरव्यू है उसके बारे में। जो इसमें एक और वेन्यूज पे इंटरव्यू है मार्च मंथ में, जो कि 27 मार्च को इंटरव्यू है। 27 मार्च का जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू आपकी 27 मार्च की, हाँ सॉरी, गुवाहाटी में इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। ये इंटरव्यू का वेन्यूज फिक्स नहीं हुआ को इंटरव्यू कहाँ पे लेंगे,
बट आप अप्लाई कर सकते हैं, या अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई करने के बाद आपको आपके इंटरव्यू के पहले आपके मेल में रिप्लाई आ जाएगा। उसके एचआर टीम जो है इंडिगो एयरलाइंस के एचआर वाले हैं, आपको एचआर टीम की तरफ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपकी इंटरव्यू गुवाहाटी में किस वेन्यूज़ पे किस वेन्यूज़ पे आपका टाइम प्लेस में मेंटेन रहेगा, तो उसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। ये इंटरव्यू 27 मार्च को है, सेम पोजीशन से लीड केविन क्रू, ठीक है, केविन क्रू इंचार्ज। ये भी आपका इसका जॉब का कोड नंबर है 12403 एंड ये इंटरव्यू गुवाहाटी में है। इसमें भी 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मिनिमम रिक्वायर्ड किया जा रहा है एंड मैक्सिमम 17 ईयर्स। तीनों पोजीशंस में तीनों प्लेस में जो 20, 27 एंड 30 जो भी थ्री वेन्यूज में इंटरव्यू है, सभी ऑल इंटरव्यू वेन्यूज पे लीड केविन क्रू पोजीशंस के लिए भी इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती हैं, ठीक है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए मैं अलग से वीडियो बना कर दूंगा, एक इसके बाद का जो वीडियो आएगा तो उसमें आपको मैं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बताऊंगा कि किस जॉब वैकेंसीज को फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इंडिगो एयरलाइंस में, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये ओनली जो एक्सपीरियंस क्रू हैं जिनके पास मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो वो केविन क्रू इंचार्ज या केविन क्रू मैनेजर या लीड केविन क्रू के लिए बोल दें, उसको बोल सकते हैं आप, तो उसके लिए जॉब वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। गुवाहाटी का जो वेन्यूज फिक्स नहीं हुआ है, आप अप्लाई कर दीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, लिंक देने के बाद उस लिंक पर क्लिक करके आप अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद जो भी आपका डिटेल्स वहाँ पे पूछा जाएगा, लाइक आपके नेम, ईमेल आईडी, आपके फ़ोन नंबर, आपके रेज्यूमे, जो भी यहाँ पर डिटेल्स पूछे जाएंगे आप फुलफिल कर दीजिएगा। फुलफिल करने के बाद आपको इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से एक इन्विटेशन लेटर आ जाएगा, तो उसमें सभी कुछ मेंशन रहेगा, ठीक है। तो और आपको, हाँ, आपको जॉब वैकेंसीज को विदाउट अप्लाई करने किए इंटरव्यू देने नहीं जाना है, आपको अप्लाई करके ही इंटरव्यू देने के लिए जाना है, ठीक है, वरना वहाँ पर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। आपके ईमेल आईडी पे आप जब अप्लाई करेंगे आप, तो आपके ईमेल आईडी पे इंडिगो एयरलाइंस के तरफ से एक इनविटेशन लेटर आएगा, इसमें एवरीथिंग मेंशन रहेगा, आपका डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यूज, कहाँ आपके यहाँ पर इंटरव्यू है, और उसमें और सारे जितने भी डिटेल्स रहेंगे उसमें मेंशन किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और क्या आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी और क्या रिक्वायरमेंट किया जा रहा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, इसमें एलिजिबल कौन कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस पर कुछ नोट्स दिया गया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डोमिसाइल्ड एट एनी ऑफ द बिलो मेंशन लोकेशंस, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और कोची। अगर आप इस इंटरव्यू में पास कर जाते हैं, अगर इंटरव्यू आपको निकल जाती है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी जो वर्क लोकेशन रहेगी, या हैदराबाद एयरपोर्ट, या बेंगलुरु एयरपोर्ट, या चेन्नई एयरपोर्ट, या कोलकाता, या कोची, यही 5 में से कहीं पर भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फीमेल इंडियन नेशनल्स विथ इंडियन पासपोर्ट बिटवीन 21 to 35 ईयर्स ऑफ एज, आप इंडिया से हैं, किसी भी सिटी से हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, नो इश्यूज़, आप इंडिया का अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपके पास इंडियन पासपोर्ट होनी चाहिए जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एज जो रिक्वायर्ड किया जा रहा है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, एज 18 to 27 रिक्वायर्ड किया जाता है, बट ये वैकेंसीज ओनली एक्सपीरियंस ग्रुप के लिए है, तो उनके लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंडली है कॉम्पिटेंसी कार्ड, SEP कार्ड विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। आप जो प्रीवियस एयरलाइंस में अगर आप काम की हैं, तो आपको 100% आपको SEP का सेफ्टी इमरजेंसी प्रोसीजर, उसका आपको कंपल्टेंसी कार्ड मिला होगा, तो वो कार्ड भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है, आपको लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम में। नेक्स्ट है एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10+2 या ग्रेजुएट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आपने कहीं से भी 10 मिनिमम एजुकेशन 10+2 रिक्वायर्ड किया जा रहा है, बट आप 10+2 या फिर ग्रेजुएशन या फिर PG भी कर रखे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकती हैं और इंटरव्यू देने जा सकती हैं, बट आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होनी चाहिए प्रीवियस एयरलाइंस का, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, फ्लुएंसी एंड क्लियरिटी ऑफ स्पीच इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, ठीक है।
आपको दोनों लैंग्वेज में रिटर्न में और स्पोकन में दोनों में पूरी फ्लुएंसी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। नेक्स्ट है हाइट विल बी रिक्वायर्ड 155 सेंटीमीटर, आपकी हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड BMI बॉडी मास इंडेक्स 18 to 22 होनी चाहिए। आपके BMI अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल टू योर हाइट वैसा होना चाहिए। आपको आपके BMI कैलकुलेट करनी है तो आप गूगल में जा कर के सिंपली टाइप कर सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट BMI, तो उसमें आपकी वेट और आपकी हाइट वहाँ पे रिक्वायर्ड किया जाएगा। आप वहाँ पुट कर देंगे तो आपको आपकी कितनी BMI है वो वहाँ पर आंसर आ जाएगा, तो आप एक बार निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इतने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें रिक्वायर्ड की जा रहे हैं। हाँ, लास्ट में है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड वेल ग्रूम्ड एंड नो टैटू शुड बी विजेबल पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, मतलब आपके पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिटनेस आप हेल्थ से पूरा फिट होनी चाहिए एंड नो टैटू, कोई भी टैटू स्टार या मार्क्स आपके फेस में या फिर नेक्स पे या आर्म्स पे कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू लाइंस इंटरव्यू के टाइम में आपको टैटू वगैरह जो भी हैं तो वो चेक करते हैं, पूरा बॉडी चेक नहीं करते हैं, बट यहाँ से आपके आर्म्स, आपके नेक्स और आपके फेस, आपके लेग्स वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स में। इसमें दिया गया है कि जितने भी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात की गई है, ऑन द असेसमेंट डे द कैंडिडेट मोस्ट कॉम वेल प्रिपेयर विद द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केविन क्रू प्रोफाइल एंड द कंपनी। मतलब जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिक्वायर्ड किया जा रहा है आपकी 100% इससे मैच, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में ड्रेस कोड के बारे में दिया गया, ड्रेस कोड के बारे में आपको ड्रेस कोड क्या फॉलो करना है। ड्रेस कोड में ड्रेस कोड फॉर द इंटरव्यू इज हाफ स्लीव शर्ट एंड कीन लेंथ वेल फिटेड स्कर्ट विथ ब्लैक स्टॉकिंग्स। मतलब आपको हाफ स्लीव शर्ट यूज करना है एंड कीन लेंथ वेल फिटेड स्कर्ट विथ ब्लैक स्टॉकिंग के साथ। आप स्किन कलर के भी स्टॉकिंग आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप अगर एक्सपीरियंस करूँ तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने साल, दो साल, तीन साल काम किया और प्रीवियस में किसी न किसी एयरलाइंस में, तो आपको एवरीथिंग मालूम रहता है। लेकिन फिर भी आप इंडिगो एयरलाइंस की इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो आपको केविन क्रू जो बॉब कट बाल होता है वो कटिंग करवा के जाएँ एंड नेल्स बड़े बड़े करके नहीं जाना है, आपको नेल्स इक्वल कटिंग करना है एंड ऑल्स जितने भी फिंगर्स हैं उसमें सेम कलर के नेल पॉलिश आपको यूज करना है। ठीक है, लिपस्टिक लगा सकती हैं, कोई इशू नहीं है, आप फाउंडेशन भी यूज कर सकती हैं, नॉर्मल मेकअप कर सकती हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट बाल छोटे छोटे कटिंग करके आपको जाना है। ठीक है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस के जो क्रू होती हैं वो बाल छोटे छोटे बॉब कट बाल ही रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें, कैंडिडेट मस्ट बी कैरी डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी कैरी 2 passport size photograph एंड 1 full-length photograph। ठीक है, 2 passport size photograph एंड 1 full-length photograph आपको कैरी करना है। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी ऑफ अलॉन्ग 1 hard copy ऑफ अपडेटेड, आपकी सॉफ्ट कॉपी आपको 1 hard copy भी लेके जाना है एंड सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी अपडेटेड रेज्यूमे एंड कॉपीज ऑफ 10th-12th मार्कशीट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। मतलब आपको सॉफ्ट कॉपी भी रिज्यूम में रिक्वायर्ड किया जा रहा है एंड आपको हार्ड कॉपी रिज्यूम भी आपको लेके जाना है। ठीक है, आपकी जितने भी आपने एजुकेशन करके रखा है, 10th-12th ग्रेजुएशन, PG जो भी है, ऑल डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कॉपी भी, ओरिजिनल भी, आपके रिज्यूमे अपडेटेड रिज्यूमे लेटेस्ट, देन आपके पास में 2 passport size photo 1 full-length photograph एंड जो आपने जो फॉर्म फिल करेंगे आप जो अप्लाई करेंगे तो उसका जो इनविटेशन लेटर आएगा आपके ईमेल पे तो उसका भी प्रिंट आउट निकाल के आप लेके जरूर जाएं। एक पेन भी कैरी कर लें क्योंकि वेन्यूज पे आपको पेन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप पेन भी कैरी जरूर करें एंड मेन डॉक्यूमेंट में आपको आपके आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका पासपोर्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें बात कर ली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली है।
क्या रिक्वायरमेंट है, ड्रेस कोड क्या रहेगा, आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किया जा रहा है, उसके बारे में बात कर लिए। अब बात कर लेते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ पे कहाँ क्या क्या रहेंगे। आप एज ए केबिन क्रू मैनेजर, केबिन क्रू इंचार्ज या लीड केबिन क्रू काम करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहेगी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेगी यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको पहला है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल कम्युनिकेशन विथ क्रू। आपको जितने भी न्यू क्रू रहेंगे चाहे जो भी आपके जूनियर क्रू रहेंगे, आपको उसको कोऑर्डिनेशन बना कर रखना है। आपको इनको उनको अकॉर्डिंग टू वर्क आपको उनको वर्क को डिवाइड करना है और उसको उनको बताना है। एंड कोऑर्डिनेट ड्यूटीज एंड असिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ऑल केबिन अटेंडेंट। वही बोल रहा था मैं आपको, आपको उनके ड्यूटीज बताने हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है, उनको असिस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट कंडक्ट प्री पोस्ट फ्लाइट ब्रीफिंग्स एंड एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो इसको भी करना है आपको, प्री पोस्ट फ्लाइट ब्रीफिंग्स टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है प्री फ्लाइट चेक ऑल इमरजेंसी इक्विपमेंट। आपकी फ्लाइट जब भी फ्लाइट अभी कोई फ्लाइट फ्लाई करने वाली है तो उससे पहले जो केबिन क्रू होती हैं वो फ्लाइट में जब भी फ्लाइट लगती है ग्राउंड में तो फ्लाइट जा कर के केबिन क्रू आपको प्री प्री चेकअप करती हैं जितने भी उसके इमरजेंसी इक्विपमेंट है उनको, ठीक है। तो आपका वो भी वर्क रहेगा। नेक्स्ट है इंश्योर यूनिफॉर्म एंड ग्रूमिंग स्टैंडर्ड आर फॉलोड, ठीक है। तो आपको जो भी आपके जूनियर क्रू केबिन क्रू रहेंगे तो उनके ग्रूमिंग और यूनिफॉर्म वगैरह जो भी है, कि कोई गंदे यूनिफॉर्म तो नहीं यूज कर रहे हैं, ग्रूमिंग पे ध्यान तो नहीं दे रहे हैं, तो उसको भी आपको देखना है, नोटिस करना है और उनको बताना है। इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लेंस ऑफ द ऑल DGCA रेगुलेशंस, ठीक है। तो DGCA जो भी रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना है। और इंश्योर कस्टमर सर्विस रेगुलेशंस आर फॉलोड, उसको भी आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट मेकिंग ऑल द फ्लाइट अनाउंसमेंट, जितने फ्लाइट आपको अनाउंसमेंट करना है, मेकिंग ऑल इन द फ्लाइट अनाउंसमेंट, ठीक है। तो ऑल फ्लाइट्स की अनाउंसमेंट करनी है। नेक्स्ट इंश्योर फ्लाइट इज ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू कंपनी स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज। आपको इसका भी ध्यान रखना है, श्योर होना है कि कंपनी की जो पॉलिसीज है स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप फ्लाइट ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिफाई इन द यूज ऑफ इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। एंड हैंडल कस्टमर क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स इन एनी इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल मैनर। जो भी कस्टमर्स के क्वेरीज रहेंगे, कंप्लेंट्स रहेंगे, उसको आपको हैंडल करना है प्रोफेशनल मैनर्स, ईजी वे में, ठीक है। अच्छा समझाना है उनको। नेक्स्ट है कैरीज आउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट कस्टमर्स एंड क्रू। जो भी सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं तो उसको आपको ख्याल रखना है। कस्टमर जो भी आपके कस्टमर्स मतलब जो भी फ्लाई करेंगे उनका और जो आपके जूनियर क्रू रहेंगे केबिन क्रू रहेंगे उनका भी। नेक्स्ट है कंप्लीटिंग ऑल नेसेसरी फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड। जो भी डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म्स रिक्वायर्ड रहेगा उसको आपको फिल करना है, ठीक है। एंड इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट मैटर में बात किया गया है। प्लीज़ नोट दैट इट इज़ द मॉनेटरी टू द अप्लाई ऑनलाइन बिफोर अपियरिंग फॉर द वर्किंग इंटरव्यू। मतलब आप वर्किंग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो उससे पहले जॉब वैकेंसीज को ऑनलाइन जरूर अप्लाई कर दें, और अप्लाई करने के बाद ही है, वरना ऐसे आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जॉब वैकेंसीज केबिन क्रू जो लीड केबिन क्रू या केबिन क्रू इंचार्ज या केबिन क्रू मैनेजर बनना चाहती हैं, जिनके पास 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस है, जो पहले से किसी प्रीवियस एयरलाइंस में काम कर चुकी हैं या कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट्स है, वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब वैकेंसीज को, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको फ्रेशर केबिन क्रू के लिए जॉब अपडेट लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उस बारे में बताऊँगा कि वो अपडेट कहाँ पे है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए स्पेशली वो वीडियो लेके आऊँगा, इसके बाद वाले जो वीडियो हमारी आएगी, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूँगा। नेक्स्ट इसके बाद भी आपको कोई भी और डाउट या क्वेरी करना हो, कुछ आप पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए,
मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज़ आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है imanjeetroy1101@gmail.com। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है manjeetroy1101। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो ऑन फेसबुक पेज, फेसबुक का जो आईडी है मेरा मेरे यूट्यूब चैनल के नाम पे ही है, दी एविएशन कैरियर। तो मैं इंस्टाग्राम फेसबुक का भी जॉब अपडेट को पोस्ट करता हूँ। कभी कभी मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलती है तो मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट कर देता हूँ, तब वहाँ से भी देख करके और इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। एंड आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलते रहेगा। आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, वे आइकन जरूर हिट कर लीजिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिले और कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना मत भूलें ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। एंड हाँ, कभी एक और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, अवेयर करना चाहता हूँ, अभी जितने भी सोशल साइट्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जो भी है, अभी वहाँ पे बहुत सारे कुछ भी जॉब रेट पोस्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, या मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट भी आते हैं कि मुझे जॉब वैकेंसीज के नाम पे या इंटरव्यू के नाम पे मुझे 2000 या 5000 या 3000 ऐसे रिक्वायर्ड किया जा रहा है। कुछ लोगों ने पेमेंट कर भी दिया है अकॉर्डिंग टू पेटीएम या फिर थ्रू फ़ोनपे, गूगल पे, इंटरव्यू के नाम पे, क्योंकि उनको कोई फ़ोन किया कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और आपको इतने पैसे देना है, आपका इंटरव्यू इस डेट की हो जाएगी और आप सिलेक्टेड हैं। तो ये सब झांसे में नहीं आइए कभी भी, कोई भी एयरलाइंस कंपनी किसी भी जॉब रेट के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे कोई भी पैसे रिक्वायर नहीं करती हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पे हो, फॉर्म फिल करने के नाम पे, या फिर रिफंडेबल अमाउंट हो, कुछ भी हो, ना इंटरव्यू के बिफोर ना इंटरव्यू के आफ्टर। तो आप किसी भी चीज़ के नाम पे क्यों, आप ये सब चीज़ से बचिए और अपना ख्याल रखिए, कभी भी धोखाधड़ी में ना फंसे, अपने टाइम पैसा वेस्ट मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए थैंक यू सो मच।